आज कोई क्लास ही में नहीं आ रहा। नहीं, मैं तो ज्वाइन कर लिया हूं, बस एक रेडियंस ने ज्वाइन किया है। नहीं, मैं क्लास तो लगी है, मैंने ज्वाइन किया है। हाँ सर, दिखा रहा था।
हाँ क्या भाई शुभम, इतनी देर कहाँ लगा दी? क्लास तो 2 बजे से स्टार्ट थी ना। कहाँ गए थे क्या कहीं? हाँ गुड इवनिंग यार, लेकिन ऐसे लेट करोगे तो फिर सिलेबस कैसे खत्म हो पाएगा यार? तुम लोग हमेशा यही लेट करते हो। चलो कोई नहीं, अब तुम आए हो तो मैं तुमको पढ़ा देता हूं। जो लेट आएगा वो लेट आएगा, उसको थोड़े ही बताएंगे दोबारा, ठीक है ना? हाँ शुभम, आवाज सुन रहे हो ना? हाँ, तो पिछली क्लास तुमने की थी, पिछली क्लास में मैंने तुमको फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, स्टार्ट ही किया था, और पिछली क्लास में हमने ओवरी का स्ट्रक्चर बताया था, है ना? ओवरीज का स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था। ओवरी के स्ट्रक्चर में मैंने तुमको प्राइमरी फॉलिकल, प्रिमोर्डियल फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, ये सारी चीजें समझाई थी। थोड़ा सा मैं उसको रिपीट करूंगा, ठीक है? क्योंकि रिपीट करने के बाद कुछ 2-3 पॉइंट्स हमको और पता लगने वाले हैं। देखो, प्राइमरी फॉलिकल है क्या, कहां से बना ये? प्राइमरी फॉलिकल बनता है फ्रॉम अ प्रिमोर्डियल फॉलिकल, याद है ना तुमको? पिछली क्लास अगर रिवाइज किए होंगे तो पता होगा। सबसे पहले ओवरी में प्रिमोर्डियल फॉलिकल बनता है। प्रिमोर्डियल फॉलिकल कैसे बनता है? जो ओवरी के अंदर एग नेस्ट होता है, एग नेस्ट से एक ऊगोनियम अराइज हुआ। ऊगोनियम एक डिप्लॉयड सेल होता है, मैं पिछली क्लास में पढ़ाया हूं। उस ऊगोनियम के सराउंडिंग में ओवरी के स्ट्रोमा की कुछ सेल्स आ जाती हैं। ओवरी की कुछ, ओवरी के अंदर जो टिश्यू होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के सेल्स एक ऊगोनियम के बाहर एक कवरिंग बना देती हैं, फ्लैट होती हैं वो सेल्स। और ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक ऊगोनियम होता है ना, और ऊगोनियम के बाहर एक लेयर आया सेल्स का, स्ट्रोमा सेल्स का। इस स्ट्रक्चर को हम प्रिमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। फिर मैंने कहा था कि उस प्रिमोर्डियल फॉलिकल के बाहर जो सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं, वो फ्लैट सेल्स ग्रो होके कॉलमनर बन जाते हैं, लंबे बन जाते हैं। और इन कॉलमनर सेल्स के बाद एक कवरिंग आ जाती है, पिंक कलर की कवरिंग दिखाई है मैंने, इस कवरिंग को जोना पेल्यूसडा बोलते हैं। अंदर जो ऊगोनियम था, उस ऊगोनियम का ग्रोथ हो गया और ये ऊगोनियम कन्वर्ट इनटू प्राइमरी ओसाइट। तो प्राइमरी ओसाइट के बाहर एक कवरिंग, दैट इज नोन एज जोना पेल्यूसडा। और जोना पेल्यूसडा के बाहर जो कवरिंग ऑफ सेल्स थी, फ्लैट सेल्स, वो फ्लैट सेल्स अब कॉलमनर बन चुके हैं, उन सेल्स को हम फॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे, ये हम पिछली बार पढ़ाए हैं। अब देखो आगे, व्हाट हैपेंस नाउ? ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है, मैंने क्या बताया था, फॉलिक्यूलर सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है। मैं लिखूंगा प्रोलिफरेशन ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स। प्रोलिफरेशन का मतलब है डिवीजन, प्रोलिफरेशन ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स मतलब अभी तो एक ही लेयर है फॉलिक्यूलर सेल्स का, अब जब ये फॉलिक्यूलर सेल्स डिवाइड होंगे तो बहुत सारे लेयर्स बन जाएंगे। टोटल मतलब ये है कि ये रहा प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट की पता नहीं बेटा, अगर आएगा तो हमने तो स्टार्ट कर ही दिया है, हम थोड़ी वेट करेंगे अब। तो ये रहा प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट के सराउंडिंग में मैंने क्या कहा था, एक लेयर आ चुका है, कवरिंग आ चुकी है, वो कवरिंग फॉलिक्यूलर सेल से ही बनी है। उस कवरिंग का नाम हमने क्या बोला था, जोना पेल्यूसिडा। तो प्राइमरी ओसाइट के बाहर एक
ग्लाइकोप्रोटीन वाली कवरिंग आ चुकी है जिसको हम जोनापिल्यूसिडा बताए हैं, ये पिंक कलर से हमने दिखाया। प्राइमरी ऊसाइड के बाहर जोनापिल्यूसिडा, इस जोनापिल्यूसिडा के बाहर बेटा ऊपर वाले फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल में हमने दिखाया है एक लेयर, एक कवरिंग सेल्स का। बट अब यही कवरिंग, यही लेयर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई होंगे, ये सेल्स डिवाइड होंगे, प्रोलिफरेट होंगे, तो एक मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स बनेंगे लाइक दिस। पहले तो एक ही लेयर था, अब बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स बनेंगे। ये देखिए, बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स बनेंगे। फॉलिक्यूलर सेल्स का पहले एक लेयर था, अब वही सेल्स डिवाइड होके बहुत सारे लेयर्स बनाएंगे जोना पिल्यूसिडा के बाहर। देख लो भाई, है ना। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना, दिस स्ट्रक्चर इज नाउ नोन एज मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ये मैं बोलने वाला था, ये मैं पिछली क्लास में नहीं बोला, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ओवरी के अंदर ये डेवलपमेंट हो रहा है। प्राइमरी ऊसाइट सेंटर में जो ब्लैक वाला हमने बना के रखा है, इट इज प्राइमरी ऊसाइट, स्टिल ये डिप्लॉयड है। जो पिंक वाला बनाए हैं, इट इज जोना पिल्यूसिडा। अब हुआ क्या, प्राइमरी फॉलिकल का जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स था, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स डिवाइड हो गया, प्रोलिफरेट हो गया, तो मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स बने। इस मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स वाले स्ट्रक्चर को मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के बाहर एक और कवरिंग आ जाती है। कौन सी कवरिंग? स्ट्रोमा के सेल्स ही आ जाते हैं। द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के बाहर जो सेल्स आती हैं, ओवरी से स्ट्रोमा की सेल्स जो आती हैं, वो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा को कवर करती है। एक मिनट, मैं डायग्राम बनाऊंगा, उससे पता चल जाएगा। ये रहा प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट के बाहर क्या था? पिंक कलर का जो हमने बनाया था, दैट वॉज, हां जी, ये क्या था? ये था जोनापिल्यूसिडा। ये देखो, और जोनापिल्यूसिडा के बाहर जो ग्रीन कलर का मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, इसको हमने क्या बोला था? इट इज मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ये मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स, this structure is known as membrana granulosa। देख लो, membrana granulosa बना कहां से? एक को लेयर था, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स था, जिन सेल्स को हम फॉलिक्यूलर सेल्स बोले थे, कॉलमनर सेल्स थे वो। वही कॉलमनर सेल्स का सिंगल लेयर डिवाइड होके मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स बना दिए, जिसका नाम membrana granulosa है। अब ये सारी चीजें बेटा हो कहां रही हैं? ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड द ओवरी। तो ओवरी के अंदर जो खुद का टिश्यू है ओवरी का, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा से कुछ और सेल्स उठेंगी, वो सेल्स इस मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा को कवर करेंगी लाइक दिस। वो सेल्स इस मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा को कवर करेंगी। ये लो, ब्लू कलर से हम दिखाए, ओवरी से स्ट्रोमा की सेल्स उठी, उन सेल्स ने मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा को कवर किया, और ये कवर जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के बाहर अब आया, इस कवर को हम बोलते हैं थीका इंटरना, ठीक है। लेकिन अभी तक एक और कहानी हो चुकी है। अब क्या हुआ, ये फॉलिकल के अंदर एक छोटी सी कैविटी बन चुकी है, उस कैविटी का नाम था फॉलिक्यूलर एंट्रम, तुमको शायद याद हो, मैं डायग्राम से फिर दिखाऊंगा। फॉलिक्यूलर एंट्रम तुमको याद आएगा। देखो भाई, ये रहा प्राइमरी ऊसाइट। अब प्राइमरी ऊसाइट नहीं, सेकेंडरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट का मियोटिक फर्स्ट डिवीजन हो गया, ये बन गया सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी ऊसाइट के बाहर कवरिंग, अगेन पिंक वाली कवरिंग, जिसको हम जोना पेल्यूसिडा बोलेंगे।
ये रहा भैया जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के बाहर जो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के सेल्स हैं, ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के सेल्स कुछ अरेंज होके एक कैविटी बनाएंगे। उस कैविटी को हमने क्या बोला था? फॉलिक्यूलर एंट्रम। लाइक दिस, वो कैविटी कुछ इस तरह से बनी थी। एक मिनट। हाँ जी, ये देखो भाई, ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के सेल्स, एक्चुअली ये कौन से सेल्स हैं? ये वही सेल्स हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स, जो ओवरी के स्ट्रोमा से अराइज हुए थे। पहले फ्लैट थे, बाद में कॉलमनर बने। वही फॉलिक्यूलर सेल्स अरेंज होके मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा बना दिए। अरेंज भी हो गए और डिवाइड भी हो गए। इसी मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के सेल्स ने अब क्या किया? खुद को अरेंज किया। खुद को अरेंज करने से अंदर एक कैविटी बनी। उस कैविटी का नाम पड़ा फॉलिक्यूलर एंट्रम। और बाहर अब एक और कवरिंग आ ही चुकी है। उस कवरिंग का नाम है, ब्लू कलर की जो कवरिंग है, दैट कवरिंग इज थीका इंटरना। माइक ऑन कर दूं? लो, माइक ऑन कर दिया। ये लो, कर दिया, मैंने माइक ऑन कर दिया। हेलो सर, हाँ जी, ये हम बोल रहे हैं जो आप बोले हैं, जैसे कि फॉलिक्यूलर सेल और फिर ये कॉलमनर सेल, ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं सर? रुको रुको, ऐसे ही माइक रखो, मैं तुमको बताऊंगा। जी सर। एक ही है बिल्कुल। देखो, कल वाली क्लास में हम, पिछली वाली क्लास में हम क्या पढ़ाए थे? जो प्राइमरी ऊसाइट है ना, ये प्राइमरी ऊसाइट है क्या? बेसिकली ये प्राइमरी ऊसाइट जो ओवरी के अंदर एग नेस्ट था ना, उस जी एग नेस्ट में बहुत सारे ऊगोनिया होते हैं। ऊगोनिया बेटा डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। यही ऊगोनिया ग्रो होते हैं। ग्रो होने के बाद इनको हम बोलते हैं प्राइमरी ऊसाइट। अब हर प्राइमरी ऊसाइट के बाहर कुछ सेल्स जमा होती हैं, तो एक कवर बनता है। ये सेल्स कौन सी होती हैं? ओवरी के अंदर जो टिश्यू होता है ना बेटा, उस टिश्यू का नाम है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा से कुछ सेल्स अलग होती हैं और वही सेल्स इस प्राइमरी ऊसाइट को सराउंड करती है। सराउंड समझते हो ना? हाँ, प्राइमरी ऊसाइट के चक्कर खाती है, सराउंड करती है इस प्राइमरी ऊसाइट को। कहां से अराइज होती हैं ये सेल्स? ओवरी के स्ट्रोमा से। पहले ये फ्लैट होते हैं और बाद में इनका शेप कैसा होता है? बाद में ये कॉलमनर बन जाते हैं। और ये कॉलमनर सेल्स जो इस प्राइमरी ऊसाइट के बाहर है, इनको हम फॉलिक्यूलर सेल्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज फॉलिक्यूलर सेल्स, मतलब एक ही है। फॉलिक्यूलर सेल्स क्यों बोलूंगा? क्योंकि हम यहां पर बता रहे हैं कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो कैसे बनते हैं। ये हम फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट ही दिखा रहे हैं ना। जी सर। पहले था प्रिमोर्डियल फॉलिकल, तो प्रिमोर्डियल फॉलिकल के सेल्स को हम बोलेंगे फॉलिक्यूलर सेल्स। फिर बना प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिक्यूलर के बाहर वाली सेल्स को फॉलिक्यूलर सेल्स। फिर बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, उनकी सेल्स को भी हम फॉलिक्यूलर सेल्स बोलते हैं। फॉलिक्यूलर सेल्स मतलब फॉलिकल वाली सेल्स। लेकिन बेसिकली है क्या ये? ये वही कॉलमनर सेल्स हैं जो ओवरी के स्ट्रोमा से अराइज हुई। समझ आई ना? जी सर। ठीक है, माइक ऐसे ही रखो, अकेले हो ना। तो मैं अब क्या बोल रहा हूं, पहले ये फॉलिक्यूलर सेल्स का एक ही लेयर था। लेयर समझते हो ना? तह, एक लेयर। अब प्राइमरी फॉलिकल में ये लेयर ऑफ सेल्स, मतलब एक लेयर है, इनमें सारे सेल्स का डिवीजन हो गया। डिवीजन मतलब प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन के बाद मल्टीपल लेयर्स बने। ये मल्टीपल लेयर्स वाला पूरा स्ट्रक्चर यहां से यहां तक, इसको हम मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा बोलते हैं। देखो, अब फॉलिकल में है क्या? बाहर से मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, फिर अंदर से पिंक कलर की कवरिंग जो प्राइमरी फॉलिकल में बन चुकी थी, जिसका नाम जोना पेल्यूसिडा था, वो भी है। किसने बनाया जोना पेल्यूसिडा को? इन्हीं कॉलमनर सेल्स ने रिलीज किया कुछ, जिससे जोना पेल्यूसिडा बना। और उसी जोना पेल्यूसिडा के अंदर प्राइमरी ऊसाइट है। ये हमारा, ये भी प्राइमरी फॉलिकल ही है, इसके अंदर प्राइमरी ऊसाइट, अगेन प्राइमरी ऊसाइट डिप्लॉयड ही है। अब देखियो क्या हो रहा है। इसी फॉलिकल के अंदर, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कुछ और चीजें हो रही है। क्या चीजें? एक, इसके बाहर जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के बाहर एक और कवरिंग बन रही है। ये कवरिंग कहां से बनेगी? सीधी सी बात है, ये फॉलिकल है कहां? ओवरी के अंदर।
ओवरी के खुद के टिश्यू को हम स्ट्रोमा बोलते हैं, फिर से स्ट्रोमा के सेल्स उठेंगे, वो जमा होकर बाहर एक कवरिंग बनाएंगे, इस कवरिंग को हम सीका इंटरना बोलेंगे। प्लस दूसरी चीज भी हो रही है, ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के सेल्स थोड़ा सा यहां वहां अरेंज होके बीच में कैविटी बनाते हैं, इस कैविटी को हम एंट्रम बोलते हैं। इस कैविटी में जमा होता है फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं, वो फ्लूइड कहां से आता है, यही फॉलिक्यूलर सेल्स, फॉलिक्यूलर सेल्स ही है ना ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा वाले सेल्स, ये फॉलिक्यूलर सेल्स ही यही जनरेट करते हैं, यही बनाते हैं उस फ्लूइड को। तीसरी बात भी होती है, जो प्राइमरी ऊसाइट था ना, इसका बेटा होता है मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन की क्वालिटी है, अगर डिप्लॉयड है सेल, इसका मियोसिस वन हुआ तो डॉटर सेल्स बनेंगे दो, वो दोनों क्या होंगे, हैप्लॉयड सेल्स। तो ये जो अंदर अब चीज बनी, नाउ इट इज अ हैप्लॉयड सेल, इस हैप्लॉयड सेल का नाम सेकेंडरी सेकेंडरी। अब ये जो स्ट्रक्चर बना ना, ये स्ट्रक्चर अब प्राइमरी फॉलिकल प्रिमोर्डियल फॉलिकल नहीं है, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज अ सेकेंडरी फॉलिकल, ये बन चुका है अब सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल में सेकेंडरी ऊसाइट है। दूसरी वाली छोटी वाली सेल बनती है, वो हम बाद में बताएंगे उसका क्या होता है, ठीक है। इस सेकेंडरी फॉलिकल में फर्दर डेवलपमेंट होगा, क्या डेवलपमेंट, इसका जो एंट्रम है वो बढ़ेगा, एंट्रम का साइज बड़ा हो जाएगा, कैविटी बड़ी हो जाएगी, ठीक, और फॉलिकल एक्सपैंड होता जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा, एक्सपैंड होने के साथ साथ, फॉलिकल के एक्सपैंड होने के साथ साथ प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी ऊसाइट का भी ग्रोथ होता है, ठीक है। और जो थीका इंटरना है, थीका इंटरना के बाहर एक और कवरिंग आ जाती है बेटा, उस कवरिंग को हम थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आया, मैं फिर से बोलूंगा, डेवलपमेंट होते होते, सेकेंडरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होते होते कुछ और चीजें होती है, क्या, आउटसाइड थीका इंटरना सम फाइबरस टिश्यू बिकम्स कंडेंस्ड, थीका इंटरना के बाहर कुछ और फाइबरस टिश्यू कंडेंस होता है तो एक और कवरिंग बनती है, उस कवरिंग का नाम है थीका एक्सटर्ना। पहली ये चेंज, दूसरी चेंज एंट्रम का वॉल्यूम बढ़ता है, तीसरी चेंज सेकेंडरी ऊसाइट अभी सेकेंडरी ऊसाइट ही है, ये सेकेंडरी ऊसाइट ही रहेगा, बस इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है ना, और एंट्रम के अंदर फ्लूइड ज्यादा जमा हो जाएगा, ठीक। मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए इधर एक और डायग्राम बनाऊंगा, उससे ये क्लियर हो जाएगा। सर जो उस दिन हम लोग जैसे कि पढ़े थे सैटरडे शुक्रवार को ना, तो उस दिन शायद ये टॉपिक खत्म हो गया था ना, कभी नहीं खत्म हुआ, बिल्कुल बेटा खत्म हो गया था, लेकिन मैंने आपको एकदम यही पढ़ाया, बस उसमें मैंने ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा बोला नहीं था, अच्छा। ये मुझे बोलना था इसलिए मैंने फिर से थोड़ा रिपीट किया, मैंने थीका इंटरना बोला नहीं था इसलिए फिर से रिपीट किया, है ना। कल को मैं आपको बोलता यार खत्म हो गया, फिर जब क्वेश्चन आ जाता थीका इंटरना, आप बोलते अरे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, इसलिए मुझे ये रिपीट करना पड़ा, ठीक है। टॉपिक खत्म हो गया तो फिर आज कैसे स्टार्ट, फिर से नहीं, नहीं बस वही टॉपिक खत्म है, बस ये दो टर्म्स मुझे बतानी थी इसलिए मैंने फिर से रिपीट कर दिया। तो ये रहा हमारा अब सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट के बाहर अगेन क्या है, देखो जोना पेल्यूसिडा लास्ट तक रहेगा, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा के बाहर मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, लेकिन ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा अब बहुत अच्छे से अरेंज हो चुका है, अरेंज इस तरह हो चुका है कि अंदर बहुत ही बढ़िया सी एक कैविटी बनी है, उस कैविटी का नाम हम रखे हैं फॉलिकुलर एंट्रम। ये देखिए भाई ये रहा हमारा फॉलिक्यूलर एंट्रम, और बाहर ये बहुत सारी मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा वाली सेल्स जिनको हमने क्या कहा, फॉलिक्यूलर सेल्स। ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर अंदर जो बनाया है वो सेकेंडरी ऊसाइट है, तो ये एंट्रम है। प्लस यहां पर दो कवरिंग्स में और दिखाऊंगा, एक ये ब्लू वाला जो है ये है थीका इंटरना, ये रहा हमारा थीका इंटरना, थीका इंटरना मैंने बताया कैसे बनता है, वही स्ट्रोमा वाले सेल्स जमा होके थीका इंटरना बनाते हैं, और थीका इंटरना के बाहर एक और कवरिंग आ जाती है,
अगेन ओवरी के अंदर जो कुछ फाइबरस टिश्यू होता है, उस टिश्यू के सेल्स जमा होते हैं थीका इंटरना के बाहर, वो अलग कलर से दिखाएंगे। यस, ये रहा हमारा ब्लू वाला थीका इंटरना। चलो रेड से बाहर दिखाएंगे एक और कवरिंग, ये देखिए। यस, ये आप देख सकते हो बेटा, बाहर एक और लास्ट वाली कवरिंग बनी। इस कवरिंग का नाम है थीका एक्सटर्ना। अच्छा वो थीका इंटरना है ब्लू वाला, बाहर वाला यस, थीका एक्सटर्ना। रेड वाला जो है वो थीका एक्सटर्ना है। और थीका एक्सटर्ना बना कैसे, फिर से बोलूंगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट होते होते एंट्रम बड़ा हो गया, सेकेंडरी ओसाइट ही है, ठीक है। थीका इंटरना के बाहर एक और कवरिंग बन गई जिसको हमने थीका एक्सटर्ना बोला। ये कहां से आई, ओवरी के अंदर ही कुछ फाइबरस टिश्यू होता है स्ट्रोमा की तरह, वही फाइबरस टिश्यू के सेल्स थीका इंटरना के बाहर जमा होके अच्छा कवरिंग बना दिए। इस कवरिंग का नाम है थीका एक्सटर्ना। एक्सटर्नल अब समझ आई ना, जी ये सर क्लियर हो गया। अब देखो, एकदम। इस फॉलिकल को हम मैच्योर फॉलिकल बोलेंगे, ये मोस्ट मैच्योर फॉलिकल है। बता, मोस्ट मैच्योर फॉलिकल का नाम ग्राफियन। फॉलिकल अब यही ग्राफियन फॉलिकल फाइनली क्या करेगा, ये ओवरी के वॉल के साथ फ्यूज हो जाएगा और फट जाएगा। फटने के बाद इससे केवल दो चीजें बाहर आएंगी, क्या, एक तो सेकेंडरी ऊसाइट, और ये पिंक वाला इसके साथ जो कवरिंग है उसका नाम क्या है, जोना सोना पिंक। पेलुसिडा, और कुछ कुछ फॉलिकुलर सेल्स भी बाहर आएंगी, बाकी ओवरी के अंदर ही रहेगा। जो पार्ट ओवरी के अंदर रहेगा खाली फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल, वो लेटर स्टेज में कन्वर्ट होगा इंटू एन एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, उसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। और जो बाहर आया वो कहां जाएगा मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। ये कंप्लीट है ना, तो बेटा आप जी सर स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, हम आगे बढ़ेंगे। ले लिए जी। ले लिया, चलो ठीक है। 1 मिनट, सर वीडियो भी अपलोड कर दीजिएगा, वीडियो तो अपलोड करते हैं वो लोग, हाँ हाँ क्योंकि रिपीट करने में आसानी होता है उससे ना। अरे वीडियो अपलोड कर देते हैं। और हाँ, अगर तुमको ज्यादा मतलब अच्छा वीडियो चाहिए जिसमें मैं जी दिख भी रहा हूं, तो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर है। यूट्यूब चैनल में बड़ा आप देख सकते हो, रिपीट करने के लिए बहुत बढ़िया है। मैं ज्यादा वहां पर डीप भी चैनल नहीं पढ़ाया हूं, और लेकिन कम भी नहीं पढ़ाया। का रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस, नाम क्या है? अच्छा रेडियंस बायोलॉजी। रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस। देखिए, शाबाश, इधर देखिए आप, ये मैंने पेन का कलर चेंज करना है। हाँ भाई, तो यहां से निकला, ध्यान से देखिएगा, यहां से निकला क्या, ओवम। बट आपको ध्यान में रखना है, ओवम निकला बट एट विच स्टेज, ये कंप्लीट ओवम नहीं हुआ है, ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ। और हाँ, इस सेकेंडरी ओसाइट के बाहर जोना पेल्यूसोडा भी है, और उसके बाहर कुछ ग्रीन कलर की सेल्स आई हैं। ये रहा जोना पेल्यूसिडा, और साथ साथ इसके कुछ और चीजें भी आई हैं, क्या, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के कुछ सेल्स, बहुत मायने रखते हैं ये चीजें। ये देखिए, ये हैं कुछ मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के सेल्स, मतलब एक कवर ऑफ मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा है ना। अब लेकिन इसको मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा नहीं बोलेंगे, जब ये ओवरी के बाहर आया इसको मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, वो हम बाद में डिस्कशन कोरोना करेंगे, फिलहाल आप उसके ऊपर ध्यान ना दें तो बेहतर है। जी तो सर ओवम रिलीज हुआ, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ, यहां से ये कहां जाएगा, इट विल गो इनटू दिस ट्यूब। इस ट्यूब का नाम है यूट्राइन ट्यूब, हाँ इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। देखो कैसे रिलीज हुआ,
एग रिलीज हुआ, कहां गया ये? ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट का बेटा ये पहला पार्ट, पहला हिस्सा, जिसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इस फर्स्ट पार्ट को हम बेटा फिम्ब्रिए बोलते हैं, FIMBRIAE। देख रहे हो लिखा है ना, फिम्ब्रिए। जी सर। हाँ, ओविडक्ट का फर्स्ट पार्ट इज फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए के थ्रू ये ओवम चला जाएगा ओविडक्ट की कैविटी में। इस ओविडक्ट का दूसरा हिस्सा यहां से लेके यहां तक, इसको बेटा हम बोलते हैं इनफंडिब्युलम। इनफंडिब्युलम जो फनल शेप्ड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इनफंडिब्युलम। ठीक है, जी INFUNDIBULUM। और इसी ओविडक्ट का तीसरा पार्ट, दिस सर। पार्ट इज नोन एज एम्प्यूला। एम्प्यूला लास्ट वाला पार्ट, यहां से लेके यहां तक, इस पार्ट को हम बोलते हैं इस्थमस। तो ओविडक्ट हो या फैलोपियन ट्यूब हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, इसके काफी सारे पार्ट्स मैंने बताए, वही हम लिखेंगे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट जो है, अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। जी अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स और अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब का आगे वाला हिस्सा मैंने कहा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर नोन एज फिम्ब्रे, राइट। फैलोपियन जी ट्यूब का सेकंड पार्ट इज इनफंडिब्युलम, ये फनल शेप्ड पार्ट होता है जस्ट बिहाइंड दिस फिम्ब्रे, इनफंडिब्युलम। फैलोपियन ट्यूब का थर्ड पार्ट जिसको हम एम्प्यूला बोलते, जी यस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन यही पे होगी। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ दिस ओवम विद द स्पर्म। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स ये फीमेल करेगी पार्टनर के साथ, तो सेमेन आएगा यहां से, वो सेमेन वजाइना को क्रॉस करके, सर्विक्स को क्रॉस करके यूटरस में आएगा, फिर चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में यही ओवम वेट करेगा कितने दिन तक? 24 घंटे, मैक्सिमम 48 घंटे तक वेट करेगा, या किसी रेयर केस में 72 घंटे तक। 72 घंटे तक अगर स्पर्म इसके साथ फ्यूज हुआ तो फर्टिलाइजेशन हो गई। हाँ, किसी किसी किताब में लिखा है फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन। एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन मतलब ये वाला पार्ट, यहां से यहां तक एम्प्यूला, जहां से स्थमस स्टार्ट होता है वो। बट एग्जैक्ट इज ए फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन एम्प्यूला, एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन भी बोल सकते हैं। उसके बाद आएगा लास्ट पार्ट, स्थमस। ठीक है ना भाई? आपको एक और जी चीज बेटा याद रखनी है, जो ये पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब है, इसमें अंदर से मसल्स लगे होते हैं। इट इज इंटरनली लाइंड बाय, इंटरनली लाइंड बाय कौन से मसल्स? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स 11th क्लास में शायद पढ़े हो, स्मूथ मसल्स को हम अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, और इन मसल्स को हम इनवॉलंट्री मसल्स भी बोलते हैं। इनवॉलंट्री मसल्स ऐसे वाले मसल्स होते हैं जो विदाउट द विल ऑफ वी पीपल, हमारे ना चाहने से या चाहने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे। दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल ऑफ द एनिमल। ठीक है ना भाई? ठीक जी सर। है ना? तो ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, वो ओवम फिम्ब्रिए के थ्रू, इनफंडिबुलम के थ्रू एम्प्यूला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में आएगा। एम्प्यूला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में ये रुकेगा, वेट करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 24 to 48 आवर्स। अगर यहां से रेस्पेक्टिव स्पर्म आ गया इसके साथ यहां पर फ्यूज होने के लिए, स्पर्म फ्यूज हो गया तो जायगोट बना। जब जायगोट बनेगा, वही जायगोट बाद में इसी फैलोपियन ट्यूब की कैविटी से होते हुए यूटरस में आएगा। लेकिन फैलोपियन ट्यूब से यूटरस तक आते आते उस जायगोट का डिवीजन स्टार्ट हो गया होगा, और वो कन्वर्ट हो गया होगा इनटू एन अर्ली एम्ब्रायो। उस अर्ली एम्ब्रायो को बेटा हम मॉड्यूला बोलते हैं, मॉड्यूला, MORULA।
ये हम लेटर स्टेज में पढ़ाएंगे, हमको पढ़ना है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो फिलहाल बॉटम लाइन ये है कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट जो है ओवरी, अपियर ऑफ ओवरीज, ओवरीज के बाद सेकंड पार्ट जो है दैट इज अपियर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, राइट में एक, लेफ्ट में एक, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम होती है? एम्प्यूला पार्ट में, बट प्रिसाइजली मोर एक्यूरेटली बोलना हो तो एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन, राइट। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, यूटरस। यूटरस को हम अंग्रेजी लैंग्वेज में वॉम्ब बोलते हैं। हाँ जी बेटा। सर ये बोल रहे थे कि जैसे कि ओवम निकलेगा ना, तो वो फिम्ब्रिया से जाएगा या फिर वहां पे जो जुड़ा है व्हाइट कलर से वहां से जाएगा, क्योंकि जो ये हाँ वहां से नहीं बेटा, ओवम जब निकलेगा ना वो डायरेक्टली फिम्ब्रिया में नहीं जाएगा, मतलब फिम्ब्रिया ओवरी के साथ टच में नहीं होता। ध्यान से सुनना, तुमने बहुत सही सवाल पूछा। ओवम जब निकलेगा ना ये मतलब हवा में जाएगा। हवा में मतलब देखिए हमारा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में, है ना। एब्डोमिनल कैविटी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी का वो स्पेस जो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर होगा, वो स्पेस क्या स्पेस है? वो एक सीलोमिक स्पेस है। अब आप बोलोगे सर सीलोमिक स्पेस क्या है? आपको शायद पता हो, 11th क्लास में पढ़ा हो, जो हमारा गट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जो वॉल होगा उसको हम गट वॉल बोलेंगे, और हमारी बॉडी का खुद का वॉल मतलब स्किन, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू एक्स्ट्रा, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में एक जगह है, उस जगह को हम सीलोम बोलते हैं। इसी सीलोम में भगवान ने सारे ऑर्गन्स रखे हैं। आप देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर हमारा कौन कौन सा ऑर्गन है? लंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर ही आते हैं, लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर आते हैं, हालांकि लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्ट है बाय मींस ऑफ बाइल डक्ट, लेकिन बाहर है ना। हार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर है, बॉडी वॉल के अंदर लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर। तो बाहर ये किस जगह पे हैं ये चीजें? हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, ये बाहर एक कैविटी में है, उस कैविटी को हम सीलोम बोलते हैं। समझ आई बात? जी सर। यही कहने का मतलब, आप इमेजिन करो लाइक दिस, अगर ये बॉडी वॉल है, ये मान लो फर्ज करो एक एनिमल है। जी सर। ये रहा इस एनिमल का बेटा माउथ, ये रहा इस एनिमल का फूड पाइप, फूड पाइप के बाद स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, एंड लेट ये रहा इसका एनस। तो ये यहां से लेके यहां तक ये गट है, गट का जो खुद का कवरिंग है, उस गट मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको हम गट वॉल बोलेंगे जी। और ये बॉडी का बॉडी वॉल, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में स्पेस है ना, यही स्पेस है सीलोम। ये सीलोम ऊपर वाले ने बनाया क्यों है भाई? सीलोम ऊपर वाले ने काफी चीजों के लिए बनाया है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि उसको बहुत सारे ऑर्गन्स बनाने थे, उन ऑर्गन्स को रखने के लिए जगह चाहिए थी, है ना। तो वही मैं कहना चाहता हूं, अगर ओवरी से एग निकला वो एग सीलोमिक स्पेस में जाएगा, और सीलोमिक स्पेस में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना फिम्ब्रिए, ये इलिया की तरह बीटिंग मूवमेंट करते रहते हैं, बीटिंग मूवमेंट करते करते ये इस एग को एक्सीडेंटली अपनी तरफ खींच कर लाते हैं और अंदर, क्या समझे, है ना जी सर। यस, मतलब सीलोम्स होते हुए जाएगा, उस पाइप से नहीं जाएगा वाल्व से? नहीं, यहां से बिल्कुल भी नहीं जाएगा बेटा, ये लिगेमेंट है, ये जोड़ है, लिगेमेंट है जो इसके साथ जुड़ा है, इसके पास बस एक ही ऑप्शन है यहां से जाना। अगर यहां से एग गिरा यहां पर, यहां से यहां गया नहीं, तो फिर वो सीलोमिक स्पेस में ही खत्म, यहां से नहीं जाता। तो कंफर्म है मतलब कि वो जाएगा ही जाएगा ना? हाँ जाएगा ही जाएगा, 99% चांसेस हैं कि ये यहां जाएगा, क्योंकि जो फिम्ब्रे होते हैं दे आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द ओवरी, ओवरी के साथ बहुत ही बहुत मतलब बहुत क्लोज होते हैं ये जी सर, बहुत कम गैप होता है इसके लिए, मतलब चांस बहुत ज्यादा है, बहुत नेग्लिजिबल चांस है सीलोमिक स्पेस में गिरने का एग का, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आएगा ओविडक्ट्स के बाद आएगा वॉम्ब, यूटरस। सर अगर जैसे मान लीजिए अगर कभी गिर भी जाता होगा किसी का, हाँ, तो सर क्या कहते हैं कि वो फिर उतना टाइम लगता होगा बनने में, मतलब क्या ये मतलब जैसे सीलेम स्पोस में कभी एक ये जो है ओवम वो कभी अगर गिर गया सीलोमिक स्पेस में गिर गया,
हाँ तो वो गिर गया, तो जैसे कि फिर से वो बनेगा फिर ओवरी में, तो ऑब्वियसली बेटा देखो, फिर से वो टाइम मैंने लगेगा मैंने उसमें। आपको पिछली क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा सा बताया था, याद है? जी। मैंने कहा था जब बच्ची गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज में होती है तो उसके रिप्रोडक्टिव स्टेज में सिस्टम में साइक्लिक चेंजेस स्टार्ट होते हैं। उन साइक्लिक चेंजेस का मतलब क्या है, हर महीने के 14th डे पे इस ओवरी से ओवम निकलेगा। अगर ये ओवम एम्प्यूला पार्ट ऑफ द फालोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो गया तो जायगोट बना, और फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब यहां से स्पर्म आएगा। जायगोट बनते बनते यहां तक आते आते एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो इस यूट्रस के वॉल में फिट हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, तब ये फीमेल प्रेग्नेंट होगी। लेकिन अगर ये एग का फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में हुआ नहीं तो फिर इस एग का होगा क्या, ये एग बेटा मर जाएगा, फट जाएगा, और ये मरा हुआ एग इस रास्ते से वजाइनल कनाल से खत्म बाहर। देन व्हाट हैपेंस, इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट 25th या 24th डे पे ये जो यूटरस का वॉल बहुत थिक हो गया होगा, ये यूटरस का वॉल, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, वो ग्लैंड्स ब्लड वेसल्स फट जाएंगे और एक थिक ब्लड यहां से निकलेगा बाहर, जी सर। ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, 4 से 5 दिन तक ये कंटिन्यू रहेगा। अब देखो तुमने क्वेश्चन पूछा ना सर फिर से बनने में इतना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली जब ये ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी तो दूसरा साइकिल स्टार्ट हुआ, उस दूसरे साइकिल में बिल्कुल वही चेंजेस हो जाएंगी, ये यूट्रस का वॉल फिर से तैयार हो जाएगा, ठीक है, और सर इस नए साइकिल के 14th डे पे अब इस वाली ओवरी से ओवम निकलेगा, अब टर्न होगी दूसरी वाली ओवरी की, समझ रहे अच्छा बात? जी, हर टाइम अलग अलग ओवरी से निकलेगा वो। यस, अगर इस पहले महीने यहां से निकला, दूसरे महीने यहां से निकलेगा, तब यहां से नहीं निकलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो यहां से ओवम निकला, वो ओवम फिर से फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, फिर से अगर उसका फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो फिर से वही होगा क्या, प्रोसेस फट के ये बाहर ब्लीडिंग। आएगा, फाइनली हाँ यूट्रस का वॉल फिर से फट के बाहर आएगा, फिर से ब्लीडिंग होता है ना। लेडीज को, फीमेल्स को हर महीने पीरियड होता है ना, जी सर। व्हाट इज दैट पीरियड, वो हर महीने यही यूट्रस का वॉल का जो ब्लड वेसल्स हैं, ग्लैंड्स है, वही फट के बाहर आते हैं। और वो क्यों बाहर आते हैं, क्योंकि यूट्रस के वॉल के ऊपर एम्ब्रायो इम्प्लांट हुआ ही नहीं। एम्ब्रायो इम्प्लांट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं था, तो एम्ब्रायो बनेगा कैसे, अब समझ आया ना? पूरा डाउट क्लियर सर। ओके चलिए आगे बढ़े। फर जी सर। अब देखो यूट्रस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट जो है यूट्रस, यूट्रस को हम बेटा वॉम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पर यूट्रस, अगर मैं एक साइड यहां पर इतना साइड ड्रॉ करूं, इतना साइड, ये देखिए इतना पार्ट मैंने ड्रॉ किया, यूट्रस का जो वॉल है बेटा, इस वॉल में 3 पार्ट्स हम ड्रॉ करेंगे। सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल, यूट्रस के वॉल का आउटर मोस्ट लेयर, यूट्रस वॉल का आउटर मोस्ट लेयर, यूट्रस वॉल के आउटर मोस्ट लेयर को बेटा हम बोलते हैं पेरिमेट्रियम, इट इज नोन एज पेरिमेट्रियम, ठीक है ना जी। जी फिर सर। मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस वॉल, ये वाला मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस वॉल, मिडल लेयर को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम थिक स्मूथ मसल्स का बना होता है, याद रखें ये। ये जो कहते हैं कि एमसी बोले तो चलता है लेडीज में, तो ये लगभग कितने साल तक चलता होगा, जैसे कि अगर 11 के बिल्कुल बाद बिल्कुल, चलूं। मैं बताऊंगा बेटा। देखिए अगर गर्ल चाइल्ड 14 साल की उम्र में उसका प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हुआ, चलो 12 साल की उम्र, मतलब 12 साल की उम्र में उसका पहला पीरियड हो गया, समझ रहे ना बात, पहला जी सर। पीरियड स्टार्ट होने का मतलब है अब ये गर्ल चाइल्ड प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो पहला पीरियड स्टार्ट होने
से लेके टिल द एज ऑफ 50 ईयर्स, जब ये 50 साल की हो जाएगी। मान लीजिए अगर हमने पहला पीरियड बोला 12 साल की उम्र में हो गया, तो जी जब ये गर्ल चाइल्ड बड़ी होते होते 50 ईयर्स की हो जाएगी, 50 साल की हो जाएगी, यूजुअली हम लिखते हैं 45 to 50, लेकिन अब हमने एक्सट्रीम लिमिट मान लिया 50। 50 साल की उम्र तक इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहेगा, 50 साल की उम्र तक इसका हर महीने पीरियड होता रहेगा, 45 से 50, और 50 साल की उम्र तक ओवरी से एग निकलना कंटिन्यू रहेगा। जी लेकिन आफ्टर दिस 45 से 50 ईयर के बाद ये फीमेल ना रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव होती है। रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव मतलब अब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, अब अच्छा इसमें ओवरीज से एग्स निकलना स्टॉप होते हैं, अब इसमें हार्मोन्स जो इस पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं उनका सिक्रीशन डिक्रीज होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि 45 से 50 ईयर्स तक ये फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहती है, उसके बाद इसका रिप्रोडक्टिव एक्टिवनेस डिक्रीज हो जाता है, मतलब बच्चा बनने की कैपेबिलिटी इसमें कम होती है। इज इट ओके? इस पे भी क्वेश्चन आता है भाई, हम आपको आगे बताएंगे। तो जी सर, पहला आउटर मोस्ट लेयर, डाउट क्लियर है ना? जी सर एकदम आउटर मोस्ट लेयर पेरिमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, यूट्रस वॉल का बता रहा हूं। यूट्रस वॉल, देखिए मायोमेट्रियम लिखा है ना, मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स का बना होता है, और सबसे अंदर वाला लेयर, यूट्रस वॉल का सबसे अंदर वाला लेयर, दैट इंटर इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम। यही एंडोमेट्रियम जब पीरियड होता है ना, जब मेंस्ट्रुएशन होती है, तो उस मेंस्ट्रुएशन में यही एंडोमेट्रियम फटता है। याद रखें, एंडोमेट्रियम फटेगा, एंडोमेट्रियम फटने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स रप्चर होते हैं, इसके अंदर जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो रप्चर होते हैं, वही बाहर आता है यहां से। मायोमेट्रियम नहीं फटेगा। को पिछली बार जब मैंने पढ़ाया तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर यूट्रस का वॉल जब फटेगा तो फिर ये तो फिर नया वॉल कैसे बनेगा? यूट्रस वॉल फटने का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा फटेगा, फटने का मतलब है ये जो एंडोमेट्रियम है, ये दिस पार्ट, ये एंडोमेट्रियम ग्लैंड्यूलर होता है, दिस पार्ट, यही इसके ग्लैंड्स और इसके ब्लड वेसल्स फट के बाहर आते हैं, बाकी तो इंटैक्ट ही रहेगा ना। और ये तब होता है जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, जब एम्ब्रियो बना ही नहीं। तो यूट्रस का, यूट्रस वॉल जो है, दिस इज द वॉल ऑफ द यूट्रस, इसके तीन लेयर्स होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर, ये बाहर वाला लेयर, इसको हम पेरिमेट्रियम बोलेंगे, पेरिमेट्रियम। उसके बाद मिडिल लेयर जो मसल्स का बना होता है, स्मूथ मसल्स का, और अंदर वाला लेयर जो कि ब्लड वेसल्स एंड म्यूकस ग्लैंड्स का बना होता है, उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इज इट क्लियर? जी सर। इस यूट्रस का सबसे नीचे वाला हिस्सा, द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, मैं आपको कलर से दिखाऊंगा, ये यूट्रस का सबसे नीचे वाला पार्ट, ये भाई इतना पार्ट, इस नीचे वाले पार्ट ऑफ द यूट्रस को हम सर्विक्स बोलते हैं। और सर्विक्स, ये जो यहां से लेके यहां तक पार्ट है ना, इस पार्ट को हम वजाइना बोलते हैं। सर्विक्स वजाइना के साथ कनेक्ट होता है बाय मींस ऑफ अ पोर। बेटा इस पोर को हम एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑस। फिर से मैं बोलूंगा, यूटरस का लोअर मोस्ट पार्ट इज नोन एज सर्विक्स। सर्विक्स इज कनेक्टेड टू द वजाइना बाय मींस ऑफ अ ओपनिंग, दैट ओपनिंग इज नोन एज एक्सटर्नल ऑस। ठीक है, लास्ट पार्ट इज वजाइना। वजाइना को बेटा हम बर्थ कनाल बोलते हैं, बर्थ कनाल। आज मैंने बर्थ प्रोसेस पे एक वीडियो बनाया, यूट्यूब पे अपलोड किया। और वजाइना को हम कॉपुलेशन कनाल भी बोलते हैं। दो काम करता है वजाइना, कॉपुलेशन कनाल, रादर तीन काम करता है। एक, जब बच्चा कंप्लीटली बनेगा यूट्रस के अंदर तो वो बच्चा इसी वजाइनल कनाल से बाहर आता है। दूसरा काम, कॉपुलेशन कनाल मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स यही से होता है,
मेल अपना पीनिस इसी के थ्रू इंट्रोड्यूस करता है, इसी के थ्रू सेमेन अंदर जाता है। और तीसरा काम इसका क्या है, जब मेंस्ट्रुएशन होती है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, जब एंडोमेट्रियम यूट्रस का फटेगा तो वो फटा हुआ रप्चर्ड एंडोमेट्रियम इसी से बाहर आता है। इज इट क्लियर? ये जो कैनाल होता है बोले तो वेजाइना कैनाल कितना जी। सेमी का होता है, कितना लंबा? मुझे लगता है, आई थिंक एग्जैक्ट मुझे नंबर्स याद नहीं रहते, बट इट मस्ट बी 6 to 7.5 सेंटीमीटर्स और इंचेस लॉन्ग, अच्छा, 6 से 7 सेंटीमीटर। छह से सात इंच या सेंटीमीटर, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। रुकिए मैं आपको बताता हूं, देख के, 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, लेंथ क्या पूछा आपने? लेंथ ऑफ विजाइनल कनाल। सर किताब उताब कब तक मिलेगा इसका बुक? बेटा किताब विताब मिल सकता है आपको, उसके लिए नीरज सर के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा, नीरज सर है ना हमारे, हाँ उनके साथ करना पड़ेगा बेटा ये। अच्छा हाँ, 2.75 इंचेस टू अबाउट 3.25 इंचेस लॉन्ग। देखिए, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, 2 इंच में हो गए 5 सेंटीमीटर। मैंने वही आपको बोला था, 6.5 से लेके 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। Is it okay? जी जी हाँ, वेरिएबल लेंथ। तो ये थी कहानी साढ़े हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हमको पढ़ना है, अभी बताऊंगा मैं। बट ये वाला जो हमने सिस्टम बताया आपको बेटा, ये सारा जी सिस्टम ना इस फीमेल के एब्डोमेन में होता है। ये हमको दिखाई नहीं देता, मतलब फीमेल को खुद को भी दिखाई नहीं देता। बाहर जो पार्ट होता है उसको हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया बोलते हैं, जो फीमेल को दिखेगा, जो हमको दिखेगा, राइट है ना? तो जी वही हम अगले पेज पे एक्सटर्नल जेनेटेलिया बताने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्लियर कर दीजिए। जी सर, हो गया। ओके, एक मिनट आप वेट कीजिए, मैं जरा एक्सटर्नल जेनेटेलिया का डायग्राम ढूंढ लेता हूं। सर कोचिंग कब तक तो खुलेगा, कुछ पता हो रहा है? अच्छा, यार मेरे ख्याल में अभी खुलने का कोई चांस नहीं अभी खुलने का चांस नहीं है क्योंकि है। गवर्नमेंट इधर। जो बोलेगी वही होगा ना। वैसे हम भी हाँ चाहते हैं कोचिंग खुले, मजा आ जाता, बट प्रॉब्लम वही है ना कि गवर्नमेंट पहले सिक्योरिटी ढूंढेगी। मोबाइल से पढ़ते पढ़ते आंख लगता है दर्द करने कंटिन्यू। हाँ प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इस वक्त हमारे पास ना बेटा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जी अगर हम पढ़ना बिल्कुल भी छोड़ देना तो फिर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। कुछ कम से कम कम चलते रहे। से कम समथिंग समथिंग तो मिल ही ना रहा ना आपको। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बस मिल गया आपको। बैठे हैं कि 21 तारीख को खुलेगा। अरे 1 तारीख से ये देखिए, हमने इमेज लाया। हम भी ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते थक गए। हम भी चाहते हैं कि वो क्लासरूम वाला एटमॉस्फेयर मिले, क्योंकि टीचर को आदत होती है ना क्लासरूम में जाए, बोर्ड पे लिखे, वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। वो ज्यादा बेटर पड़ता है ना स्टूडेंट्स के हाँ, ऑब्वियसली लिए। वन टू वन कॉन्टेक्ट जब आप करते हो तो ज्यादा बेटर पड़ेगा ना। तो सब डाउट अच्छे से क्लियर हो जाते यहां हैं। पर हम दूर बैठे हैं, आप कहीं और बैठे हो, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। इट इज, और हमारे लिए तो बिल्कुल ही न्यू सिस्टम है ये, क्योंकि इंडिया में हम लोग ऐसे पढ़ाई नहीं करते थे, बहुत कम लोग ऐसे पढ़ाई करते थे। ज्यादा से ज्यादा हम YouTube देखते थे, और क्या, YouTube ये जी तो नया ही एक्सपीरियंस है सब लोग के लिए। देखिए बेटा, ये सर। फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया का हमने यहां पर एक सिंपल सा पिक्चर लाया है। यही वो सिस्टम है, यही वो चीज है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से हमको दिखाई देती है। बाकी जो अभी तक हमने बोला, दैट इज ऑल इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। सो दिस इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे इससे नीट में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सबसे पहली बात, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, इट इज नोन एज वेनेरिस, वेनेरिस बोलो या मॉन्स प्यूबिस, दिस पार्ट, वेनेरिस और मॉन्स प्यूबिस। ये सर एक फ्लैशी सबक्यूटेनियस फ्लैशी टिश्यू होता है, हाँ फ्लैशी टिश्यू, जिसके ऊपर हेयर्स होते हैं, दोज हेयर्स आर नोन एज प्यूबिक हेयर्स, ठीक है ना जी। जी सर इस मॉन्स प्यूबिस से दो फ्लैश, टू पेयर्स ऑफ फ्लैशी फोल्ड्स अराइज होते हैं। मैंने क्या लिखा, मॉन्स प्यूबिस से टू पेयर्स ऑफ फ्लैशी फोल्ड्स अराइज फ्रॉम इट, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, या इसको वेनरिस भी बोलते हैं। उनमें से एक का नाम है लैब या मैजोरा, वन पेयर ऑफ लैब या मैजोरा एंड वन पेयर ऑफ लैब या मेनोरा। डायग्राम में शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, लैब या मैजोरा एक पेयर एंड लैब या मेनोरा एक पेयर। मैं बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है, छोटा छोटा ये देखिए डायग्राम छोटा है क्या, थोड़ा छोटा तो इसको बड़ा कर दूं, है जी, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। हाँ एक मिनट कोई और डायग्राम देखता हूं। लिखा से ये बहुत छोटा छोटा है ना, इसलिए मैं क्लियर समझ गया समझ गया। कहाँ से ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाए, तो इतना ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। हो जाएगा हो जाएगा, ज्यादा हम इसको बदल ही देते हैं डायग्राम को। वैसे सर जो YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं उसका टाइम अलग है कि? नहीं, बेटा टाइमिंग पे डिपेंडेंट है, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं YouTube पे वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ऐसा कोई खास इशू नहीं, खास नहीं कि बस हर दिन मैं अपलोड कर ही दूं। अच्छा हाँ, ये इस डायग्राम में सब बड़ा बड़ा है, समझ आ रहा है ये सही है ना। जी सर। देखिए मैंने कहा मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस वो वाला पार्ट है जिसके ऊपर हेयर्स होते हैं, तो हेयर्स आर नोन एज प्यूबिक हेयर्स। इसी मॉन्स प्यूबिस के, मॉन्स प्यूबिस से टू फ्लैशी फोल्ड्स अराइज होते हैं, टू पेयर्स ऑफ फ्लैशी फोल्ड्स, एक लैबिया मेजोरा एंड दूसरा लैबिया मेनोरा। आप देख सकते हो ये बाहर वाला लार्जर फ्लैशी फोल्ड, इस लार्जर फ्लैशी फोल्ड को हम लैबिया मेजोरा बोलते हैं, या लैबियम मैजस सिंगुलर है, लैबिया मेजोरा प्लूरल। और ये दो होते हैं, एक यहां से एक यहां से, अंदर वाला थिन वाला फ्लैशी फोल्ड, दे आर नोन एज लैबियम मैजस, लैबियम मेनोरा, ठीक है ना जी। अब याद रखने वाली बात क्या है, ये देखिए लैबिया मेजोरा दे आर होमोलॉगस टू द सक्रोटम ऑफ द मेल, काफी बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, होमोलॉगस टू द सक्रोटम ऑफ मेल, सक्रोटम ऑफ मेल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सक्रोटम पार्ट है, सक्रोटम वही वाला पार्ट है जिसके अंदर टेस्टिस भरे होते हैं, इट इज होमोलॉगस टू द सक्रोटम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और लैबिया मेनोरा जो है, लैबिया मेनोरा इज होमोलॉगस टू, लैबिया मेनोरा इज होमोलॉगस टू होमोलॉगस टू, भूल गया मैं, एक मिनट चलिए, जब तक याद आएगा तब, याद आएगा तब तक हम बाकी चीजें जी देखें। चलिए। लैबिया मेनोरा और लैबिया मेजोरा, लैबिया मेजोरा ये आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज होमोलॉगस टू द सक्रोटम ऑफ द मेल, मतलब जो काम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सक्रोटम करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो वाला काम नहीं, उसके जैसा ही काम लैबिया मेजोरा भी करते हैं, दैट इज व्हाई मैंने लिखा होमोलॉगस, होमोलॉगस ऑर्गन्स, आई गेस आपको शायद आइडिया हो। फिर आपको एक पार्ट मिलेगा क्लिटोरिस, ये देखिए
यहां पर क्लिटोरिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लिटोरिस क्या चीज है ये? क्लिटोरिस एक इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ एन इरेक्टाइल टिश्यू, सो इट इज एन इरेक्टाइल ऑर्गन। इरेक्टाइल मतलब अगर इसको स्टिमुलेशन मिला तो ये पेनिस की तरह इरेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें और पेनिस में काफी फर्क है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया, पेनिस को भी स्टिमुलेशन मिलेगा तो वो इरेक्ट होता है, हार्ड होता है। इरेक्शन कैसे होता है? पेनिस में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज, एक को हम बोलते हैं कार्पस स्पॉन्जियोसम और दूसरे को बोलते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा। आप पिछले क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल जी उसी तरह का कार्पस स्पॉन्जियोसम और कार्पोरा कैवर्नोसा की तरह का इरेक्टाइल टिश्यू इस क्लिटोरिस में होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। इसका मतलब ये हुआ ना, पेनिस की तरह जब भी इसको स्टिमुलेशन मिलेगा। हमारे हाँ जी बेटा, हाँ आवाज एक नहीं आ रही थी अभी फर्स्ट में। मिनट, अब अभी आ रही है ना? हाँ अभी क्लियर है। हाँ, तो मैंने क्या कहा, क्लिटोरिस एक इरेक्टाइल ऑर्गन है। जिस तरह का टिश्यू पेनिस के अंदर होता है, बिल्कुल उसी तरह का इरेक्टाइल टिश्यू इस क्लिटोरिस के अंदर होता है। इसको जब स्टिमुलेशन मिलेगा तो ये भी थोड़ा सा इरेक्ट हो जाएगा, बट फर्क है, ये पेनिस की तरह बड़ा नहीं, बहुत छोटा होता है। और दूसरा जी इंपॉर्टेंट डिफरेंस पेनिस से इसमें ये है कि पेनिस में आगे से पोर होता है ना, उस पोर के थ्रू यूरिथ्रा रन करता है और उस यूरिथ्रा में सीमिन भी पास होता है और यूरिन भी। मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर ना, इसमें क्लिटोरिस में कोई ओपनिंग नहीं होता, नो ओपनिंग, मतलब इसका बस काम यही है कि इरेक्टाइल ऑर्गन है ये, इरेक्ट हो जाएगा, बट इसके थ्रू कोई फ्लूइड पास नहीं होना, इट हैज नो ओपनिंग, सो नो फ्लूइड। सर ये किस लिए तब होता बिल्कुल मैं बताऊंगा, नो फ्लूइड पासेस थ्रू इट, नो फ्लूइड पासेस थ्रू इट। इसका वैसे तो कोई काम है नहीं, बट जब एक फीमेल एक मेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, जी? कॉपुलेशन करती है, तो कॉपुलेशन करते करते एक क्लाइमैक्स आ जाता है। क्लाइमैक्स मतलब एक स्टेज ऐसा आता है जिस स्टेज पे मेल के पेनिस से सेमेन बाहर आता है। जी हाँ, दैट स्टेज इज नोन एज ऑर्गेजम। बिल्कुल फीमेल में भी उसी तरह का एक स्टेज आता है, उस स्टेज को ऑब्वियसली फीमेल ऑर्गेजम बोलते हैं। और फीमेल ऑर्गेजम जब आता है, उस फीमेल ऑर्गेजम के स्टेज पे ये बस इरेक्ट होता है, और ये इसका इरेक्ट होना इंडिकेट करता है कि फीमेल में ऑर्गेजम आने वाला है या आ चुका है। ये फीमेल को बस एक प्लेजरेबल सेंस देती है, नथिंग एल्स। अच्छा इंडिकेटर जैसे। यस, यू कैन से दैट इट इज एन इंडिकेटर दैट फीमेल इज अबाउट टू कम टू ऑर्गेजम, एंड ये फीमेल को बस थोड़ा बहुत प्लेजरेबल सेंस, प्लेजरेबल फीलिंग फीलिंग उस टाइम पे देता है, राइट? तो क्लिटोरिस हो गया। देन मैं आपको दो और बातें बोलूंगा। एक पार्ट है बार्थोलिंस ग्लैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर शायद दिखाई नहीं दे रहा, बार्थोलिंस ग्लैंड्स जी नहीं दिखाई दे रहा है, बार्थोलिंस ग्लैंड्स। बार्थोलिंस जी ग्लैंड्स दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। और ये कहां पर होते हैं? दे आर लोकेटेड कहां पर है, ये यहां पर देखिए, ऊपर आप अगर देखोगे यहां पर एक ओपनिंग होती है, द ओपनिंग इज नोन एज यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के नीचे एक और ओपनिंग है जिसको हम वजाइनल ऑरिफिस बोलते हैं। वजाइनल ऑरिफिस ही इसके थ्रू ही पीनिस इंट्रोड्यूस करता है मेल, और यही वजाइनल ऑरिफिस वजाइनल कनाल के थ्रू जाता है। वजाइनल ऑरिफिस के दोनों साइड, यहां पर और यहां पर, ये ग्लैंड्स होते हैं, बार्थोलिंस ग्लैंड्स। दे आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द वजाइनल ऑरिफिस, ऑन ईदर साइड ऑफ वजाइनल ऑरिफिस। बार्थोलिंस ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ वजाइनल ऑरिफिस।
वजाइनल ऑरिफिस के दोनों तरफ, यहां पर एक यहां पर एक ग्लैंड्स होते हैं, वन पेयर ऑफ ग्लैंड्स, इनको हम बार्थोलिन्स ग्लैंड्स बोलते हैं, राइट। इनके बारे में खास बात क्या है, दे आर होमोलॉगस टू द काउपर्स ग्लैंड्स ऑफ द मेल, होमोलॉगस टू द काउपर्स ग्लैंड्स ऑफ मेल, मेल में हम बता चुके हैं काउपर्स ग्लैंड्स, दे आर होमोलॉगस टू काउपर्स ग्लैंड्स ऑफ मेल। अगर आपको बेटा याद होगा मेल में काउपर्स ग्लैंड क्या काम करता है, मेल में काउपर्स ग्लैंड एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड रिलीज करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले, जस्ट मेल को स्टिमुलेशन मिला, पेनिस इरेक्ट हो गया, अब मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाला है फीमेल के साथ, तो उस टाइम काउपर्स ग्लैंड से एक ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा हल्का सा थिक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकलता है, वो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड यूरिथ्रा को लुब्रिकेट करता है, क्योंकि यूरिथ्रा के थ्रू ही स्पर्म्स को मूव करना है, पेनिस के टिप को लुब्रिकेट करता है, बिल्कुल वही काम ये भी करता है, लुब्रिकेट समझते हो ना, लुब्रिकेट लुब्रिकेट मतलब जिससे फ्रिक्शन कम मिले, जैसे हम किसी मशीन को चलाने के लिए उसके ऊपर ऑयल डालते हैं, थोड़ा सा उसमें फ्रिक्शन कम लगती है, फिर वो इजी आसानी से चल पाती है, या अगर कहीं किसी लोहे की चीज में जंग लगा हो, किसी जंग लगे हुए चीज को हमको खोलना है, तो हम उसमें ऑयल डालते हैं, ऑयल से वो जंग खत्म होता है, फ्रिक्शन कम कम हो जाती है और हम उसको खोल देते हैं, लुब्रिकेशन उसी को बोलते हैं, जी सर, लुब्रिकेशन, समझ रहे हैं बात। जी, कॉपर्स ग्लैंड से निकली हुई सिक्रीशन पीनिस के अंदर के यूरिथ्रा को लुब्रिकेट कराता है ताकि स्पर्म्स आसानी से मूव हो जाए, और पीनिस के टिप को भी लुब्रिकेट करता है, स्लिपरी बनाता है, स्लिपरी हाँ, ताकि पीनिस इजीली वजाइनल ऑरिफिस के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए, स्लिपरी हो जाए, बिल्कुल बार्थोलिन्स ग्लैंड्स या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जो कि वजाइनल ऑरिफिस के दोनों साइड में होते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं। इनसे भी एक म्यूकस सिक्रेशन निकलती है, वो म्यूकस सिक्रेशन क्या काम करती है, ल्यूब्रिकेट करती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ल्यूब्रिकेशन, मतलब स्लीपिंग के लिए। हाँ स्लिपरी, वजाइनल ऑर्फिस को स्लिपरी बनाती है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ वजाइनल ऑर्फिस, ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स आसान हो जाए। अगर ल्यूब्रिकेशन नहीं हुआ पेनिस के टिप का, इसका ल्यूब्रिकेशन नहीं हुआ, तो फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स विल बी पेनफुल फॉर द फीमेल, है ना। एक और ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स है वो यूरिथ्रा, बहुत रेयर केस में होता होगा कि इसमें से मतलब यस, वो रेयर केस में लिबू। होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन द हॉर्मोन्स, जो हार्मोन्स की कमी के वजह से। या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले मेल अपनी पार्टनर को अच्छे से स्टिमुलेट नहीं कर पाया, तो उस वक्त ये बार्थोलिन्स ग्लैंड्स ना म्यूकस सिक्रीट नहीं कर पाते, उस टाइम भी ये पेनफुल हो जाता है। यहां पर देखिए यूरिथ्रा के दोनों साइड में ये, यहां पर एक और यहां पर एक, अगेन एक पेयर ऑफ ग्लैंड्स होता है, दिस पेयर ऑफ ग्लैंड्स इज नोन एज लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पेज पे दिखाऊंगा। हो गया। आज मतलब हम ही आए हैं बस ऑनलाइन, बाकी हाँ सब लोग करें। अभी तक तो हम ही बस ऑनलाइन आए हैं, बाकी सब लोग पता नहीं कहाँ गए। छोड़िए यार, हमको क्या करना है, हम तो बढ़ाएंगे। ये देखिए बेटा, कब तक इंतजार कर? यूरिथ्रा के दोनों साइड में अगर ये यूरिथ्रल ऑरिफिस है, हम दोबारा से थोड़ी रिपीट करेंगे, ये जी यूरिथ्रा था, यूरिथ्रा के दोनों साइड में, यूरिथ्रल ऑरिफिस के दोनों साइड में ग्लैंड्स होते हैं, दीज ग्लैंड्स आर नोन एज लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, वो वाले थे ग्रेटर वेस्टिब्यूलर, अब इनको हम बोलते हैं लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। कहां पर, वन पेयर है जी ऑन ईच साइड ऑफ यूरिथ्रल ऑर्फिस, यूरिथ्रल ऑर्फिस, ऑर्फिस का मतलब है ओपनिंग, यूरिथ्रा का ओपनिंग है ना। दे आर ऑल्सो नोन एज, इनका एक और काम भी है, ग्लैंड्स ऑफ स्कीन,
ग्लैंड्स ऑफ स्किन, ग्लैंड्स ऑफ स्किन। सर, हाँ जी जैसे ये सब है ना जो आप बता रहे हैं, जैसे ये जो बनाया है फिर ऊपर सैले ट्यूरस के तो है ना क्लिटोरस। हाँ क्लिटोरस, तो ये सब सर छिद्र होता है छोटा छोटा। हाँ क्लिटोरस छिद्र नहीं है, क्लिटोरस एक ग्रेन्यूल जैसा स्ट्रक्चर है। अच्छा हाँ, जो ये वेजनल ऑर्फिस है ये छिद्र है, यूरिथ्रल ऑर्फिस है ये भी छिद्र है ना। ये मैंने ग्लैंड्स जो बोला, ग्लैंड ऑफ स्किन, ये आपको दिखेगा नहीं यूरेथ्रा लेकिन ये जो है, माइक्रोस्कोपिक छिद्र यूरेथ्रा होते हैं। सर, यूरेथ्रा जो है हाँ ये भी छिद्र होता ऑब्वियसली यूरिथ्रा वही छिद्र है ना जिससे यूरिन पास होता है। है। अच्छा मेल्स और फीमेल्स में ये फर्क है, देखिए मेल्स में पीनिस में एक ही छिद्र होता है, उसी छिद्र से यूरिन भी पास होगा और उसी छिद्र से सीमन भी पास होगा, है ना। लेकिन फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में दो छिद्र होते हैं, एक छिद्र हुआ ये वाला यूरिथ्रल ऑर्फिस, यूरिथ्रल ऑर्फिस से यूरिन पास होगा, और दूसरा छिद्र हुआ वजैनल ऑर्फिस, इससे मेल पीनिस इंट्रोड्यूस करके सीमिन को अंदर डालता है ना। तो यूरिथ्रल ऑर्फिस के दोनों साइड में दो ग्लैंड्स होते हैं, एक साइड में एक, दूसरा साइड में दूसरा, उनको बोलते हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या ग्लैंड्स ऑफ स्किन। इनसे निकला हुआ सिक्रीशन क्या काम करता है, वही सिक्रीशन इनका ल्यूब्रिकेट करता है, सिक्रीशन ल्यूब्रिकेट्स द होल सिस्टम। मतलब लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड का सिक्रीशन इस जी पूरे सिस्टम को ल्यूब्रिकेट करेगा और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स का सिक्रीशन सिस्टम को ल्यूब्रिकेट करेगा, और ल्यूब्रिकेशन में कॉपुलेशन में क्या आएगा, आसानी होगी। आसानी। लेकिन ये इनसे सिक्रीशन तब निकलेंगे जब फीमेल अच्छे से स्टिमुलेट हो जाएगी, बट इफ द फीमेल इज नॉट स्टिमुलेटेड, देखिए रेप वगैरह होता है ना, लड़कियों का रेप अगर होता है, रेप में पेनफुल फीलिंग्स क्यों आती है, क्योंकि लड़की को तैयार नहीं है वो, शी इज नॉट रेडी फॉर द कॉपुलेशन, शी इज नॉट रेडी फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिर भी बंदा उसके ऊपर आ गया, उसको जबरदस्ती उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है, मतलब स्टिमुलेशन तो हुआ नहीं ना। जब टोटल स्टिमुलेशन हुआ ही नहीं तो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड से और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड से सिक्रीशंस म्यूकस की निकली नहीं, तो यहां पर म्यूकस सिक्रीशन आया नहीं तो ल्यूब्रिकेशन स्लिपरी नेचर आया ही नहीं, स्लिपरी नेचर हुआ ही नहीं, विद द रिजल्ट फीमेल फील्स वेरी मच पेन एट दैट टाइम, है ना। हाँ, अगर अच्छे से मना लिया जाए, जैसा कि हम अपने पार्टनर के साथ, एक मेल अपनी वाइफ के साथ अपनी पार्टनर के साथ करता है, दैट इज वहां पर म्यूचुअल कंसेंट होती है, और म्यूचुअल कंसेंट में अच्छा, ऑब्वियसली ये स्लिपरी के लिए थोड़ा क्या टाइम होगा, लगता स्टिमुलेशन होनी है ना, म्यूचुअल कंसेंट है। है, दो पार्टनर्स में म्यूचुअल कंसेंट है, ओके वी आर रेडी फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, वी आर रेडी फॉर द कॉपुलेशन, तो दोनों तरफ से कंसेंट है, स्टिमुलेशन होगी सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले, उस स्टिमुलेशन की वजह से यहां पर म्यूकस निकलता है और म्यूकस पूरे सिस्टम को स्लिपरी बनाता है, राइट right. ठीक है ना भाई। अब देखो लेकिन यहां पर एक सर वर्ड लिखा है एक हाइमेन। कंफ्यूजन हाँ हाँ बता बता। है, जैसे कि आप बोलेंगे जैसे कि रेप अगर सब करते हैं तो उसमें स्लिपरी नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें म्यूकस नहीं निकलता है ऑन द स्पॉट ना, तो कुछ टाइम के बाद तो उसमें निकलता होगा। ऑब्वियसली, लेकिन स्टार्टिंग में इट इट विल बी वेरी पेनफुल ना। एंड वन मोर थिंग, उस टाइम के बाद मतलब आफ्टर रेप हैज बीन स्टार्टेड, आफ्टर द फोर्सफुल, जब फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट किया बंदे ने, अगर फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट होने के बाद भी फीमेल इज नॉट फीलिंग अ काइंड ऑफ अ प्लेजर, तब भी नहीं निकलेगा, फीमेल को यहां अच्छा पर इमोशनली अटैच रहना पड़ेगा, देन इन ग्लैंड से म्यूकस सिक्रीट होगा, ये समझ भी रहे बात बात। है जी, मतलब कि कभी यस कभी लास्ट तक भी नहीं निकलेगा। हाँ बिल्कुल, अगर फीमेल, एक फीमेल अपने पार्टनर के साथ अपने हस्बैंड के साथ कॉपुलेशन कर रही है, बट शी इज नॉट मेंटली रेडी, शी इज नॉट इमोशनली रेडी, उसको वो फिर भी कर रही है, शी इज नॉट मेंटली रेडी, शी इज नॉट इमोशनली रेडी रेडी, तो वो स्टिमुलेट होगी नहीं, स्टिमुलेशन हुआ नहीं तो इन ग्लैंड्स से म्यूकस कहां से निकलेगा,
ग्लैंड इसी तरह तो काम करते हैं, ग्लैंड तब तक सिक्रीशन नहीं डालेगा जब तक, कोई भी ग्लैंड, वेदर इट इज यहां पर कोई ग्लैंड हो या कोई और ग्लैंड, जब तक ग्लैंड को किसी तरह का स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा ना, तो ग्लैंड से सिक्रीशन नहीं निकलेगी। स्टिमुलेशन इज मोस्ट फॉर रिलीजिंग समथिंग बाय दिस ग्लैंड, रिलीजिंग समथिंग बाय अ पर्टिकुलर ग्लैंड, ठीक है तो ना? सर जैसे कि मेल्स मेल्स में तो निकलता होगा, वॉट मतलब ये जो स्लिपरी बोले तो होता है, तो यार, मेल्स में निकलता होगा। सीधी सी बात है, देखो मेल में कॉपर्स ग्लैंड से म्यूकस कब निकलेगा? व्हेन अ मेल इज स्टिमुलेटेड, व्हेन अ मेल इज रेडी टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद समबडी, है ना? जी अगर मेल रेडी नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, मेंटली रेडी नहीं है, इमोशनली रेडी नहीं है, तो पेनिस इरेक्ट ही नहीं होगा, वो निकलने की तो दूर, ये सिक्रीशन या म्यूकस निकलने की तो दूर की बात है ना? अभी बताऊं आगे। जी, हो गया हो गया। हाँ, तो हाइमिन यहां पर एक वर्ड लिखा है, हाइमिन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हाइमिन क्या है? वजाइनल ऑरिफिस जो है, इट इज इनकम्प्लीटली क्लोज्ड बाय सेप्टम। हाइमिन क्या है? अ सेप्टम, सेप्टम बोले तो पार्टीशन, विच इनकम्प्लीटली क्लोजेस द वजाइनल ऑरिफिस। ये वजाइनल ऑरिफिस को इनकम्प्लीटली क्लोज करके रखता है। लेकिन हाइमेन एक लड़की में, एक गर्ल चाइल्ड में हाइमेन तब तक रहेगा जब तक शी इज वर्जन। देखो बहुत ही समझने वाली बात है, हम बोलते हैं कि अगर लड़की वर्जन है, अगर एक फीमेल वर्जन है, वर्जन का मतलब शी हैज नॉट हैड एनी कॉपुलेशन, शी हैज नॉट हैड एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स, आज तक उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, तो उसके वजाइनल ऑरिफिस के अंदर एक थिन फोल्ड ऑफ स्किन होगा, एक सेप्टम होगा, एक पार्टीशन होगा, जिसको हम हाइमिन बोलते हैं। एक जमाने में ये बोला जाता था, अगर किसी लड़की के वजाइनल ऑरिफिस में हाइमिन है तो शी इज वर्जिन। पता कैसे चलता था? जब उस लड़की की शादी होती थी, मतलब बहुत ओल्ड कल्चर की बात है, कभी कभी कई कई बार यहां आज भी यही होता है, तो शादी की पहली रात पे जब शी यूज टू गो टू द हस्बैंड, शी यूज टू गो टू हर हस्बैंड, तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते थे तो व्हाइट कपड़ा रखते थे, इफ व्हाइट कपड़े पे ब्लड स्टेन्स आ जाते थे तो ये माना जाता था कि नहीं, इसके वजाइनल ऑरिफिस में हाइमिन इंटैक्ट था, तो शी वाज अ वर्जिन। और अगर ब्लड स्पॉट्स नहीं आते थे, क्योंकि ये हाइमिन जब सेक्सुअल इंटरकोर्स से कटेगा तो इससे ब्लड स्पॉट्स निकलते, ब्लड निकलता है, अगर ब्लड स्पॉट्स नहीं आते थे तो ये माना जाता कि था कि ये शादी से पहले ही सेक्सुअल इंटरकोर्स कर चुकी थी, ये वर्जिन थी नहीं। बट रिसर्च से पता चला कि ये हाइमिन सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो टूटेगा ही टूटेगा, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन अगर एक फीमेल के वजाइनल ऑरिफिस में हाइमिन नहीं है, ये इससे हम इंडिकेट नहीं कर सकते कि शी इज नॉट वर्जिन। क्यों? क्योंकि हाइमिन ब्रेक हो सकता है ड्यू टू साइकिलिंग, अगर लड़की ने साइकिल चलाया बहुत सारा उससे भी ब्रेक हो सकता है, हाइमिन ब्रेक हो सकता है ड्यू टू एक्स्ट्रा वॉकिंग, हाइमिन ब्रेक हो सकता है ड्यू टू एक्सरसाइज, हाइमिन ब्रेक हो सकता है ड्यू टू क्या बोलते हैं, रनिंग, किसी भी हैवी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज से ये हाइमिन ब्रेक हो सकता है। तो आज की डेट में हम बोलते हैं कि हाइमिन वजाइनल ऑरिफिस के अंदर हो या ना हो, इट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी, समझ रहे हैं? अच्छा बट जी अगर हाइमिन ब्रेक नहीं हुआ है फिजिकल एक्सरसाइज से, रनिंग से, या अगर हाइमिन है ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब ये हाइमिन टूटेगा, द जी फीमेल इज डेफिनेटली शी विल फील पेन एंड ब्लड विल कम आउट, है ना? मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ही करे तभी हैमन टूटे। नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी टूटेगा, जरूरी नहीं है, ये किसी और चीज से भी टूट सकता है, हाँ, मतलब रनिंग। हैवी एक्सरसाइज या फिर कुछ ऐसा वर्क करने से भी यस, टूट देयर आर सकता है, मेनी रीजंस ऑफ ब्रेकिंग इट, मैंने कुछ रीजंस तो और उससे पता नहीं बताया। लग सकता। जी सर, ठीक है ना बेटा? जी। तो ये क्लियर हुआ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हाँ, एक पॉइंट मैं भूल गया था बोलना, मैंने आपको लैबिया मेनोरा बोला था, है ना? लैबिया मेनोरा और होमोलॉगस टू हम बोल नहीं पाए थे, वो हम बोलेंगे। और सर इसमें एक ANUS है जो एंस,
एनस, एनस इज द, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ओपनिंग है, इससे फीकल मैटर बाहर आता है। मतलब फीकल मैटर बोलते पॉटी, जब हम खाना खाते हैं तो अनडाइजेस्टेड फूड, उसका क्या होता है, बाहर जी आएगा ना, जी वो एनएस से ही आता है। एक मिनट, क्या था हमारा, लेबिया मेनोरा। हाँ, मेनोरा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले सर, के भी नहीं हो हाँ हाँ ले लीजिए ले लीजिए, गया। लेबिया मैनोरा आर होमोलॉगस टू। हाँ लिखिए आप, लेबिया मैनोरा आर होमोलॉगस टू द पीनाइल स्किन, होमोलॉगस टू पीनाइल स्किन। लिखें बस मैं यहां पर लिख दिया, आप इस पीनाइल स्किन का स्क्रीनशॉट लीजिए, लेबिया मैनोरा होमोलॉगस टू पीनाइल स्किन, होमोलॉगस टू पीनाइल स्किन। अब पीनाइल स्किन क्या है, पेनिस के ऊपर जो स्किन होता है ना, जी सर। हाँ उसी को पीनाइल स्किन बोलते हैं, और पीनाइल स्किन के होमोलॉगस है लैबिया मिनोरा। हो ओके, तो ये थी कहानी गया जी। हाँ शुभम, जी सर। हाँ कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ मतलब हो गया, अब इसका स्क्रीन शॉट ले लें। हाँ ले ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हो गया। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन का, और हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ाया है, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी पढ़ाया है। अब इसमें जी हमको अगली क्लास में पढ़ना है क्या, ओजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओजेनेसिस के बाद ओवम का स्ट्रक्चर जो ओवरी से रिलीज हुआ, देन हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। बस अब दो चार क्लासेस लगेंगी इसकी और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? इन अगर सारे बच्चे आए तो जी चलो बेटा, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। जी थैंक यू सर। लेकिन सर ओके, हेलो, ये बोल हाँ रहे हैं कि बायो का क्लास कितने दिन तक, मतलब कब तक कब चलता है? बेटा, क्लास तो रूटीन है ना, रूटीन, जब भी आप ऐप खोलते हैं आपको क्लास मिल जाएगी। यूथ्री हाँ वो बायो की तो क्लास है हफ्ते में शायद 4 दिन चलती है, चार दिन जी। या 3 दिन, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं। हाँ तो वही नहीं समझ में आता कि 3 दिन का भी 4 दिन, जैसे कि हाँ भी कल। 3 या 4, एक्चुअली चेंज हो सकता है, अगर 3 4 दिन है तो चेंज हो सकता है, 3 दिन भी लग सकती है, क्योंकि कभी किसी टीचर को काम होता है, फिर उसी हिसाब से रूटीन को चेंज करना पड़ता है ना। जी सर, चलिए, बाय 4 दिन सर। मैक्स, मिनिमम 3 दिन हो गई होगा। जी हाँ चलिए बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। बाय सर, धन्यवाद सर। ओके बेटा, थैंक यू।